हर भारतीय मंदिर एक भव्य इतिहास बयां करती है। जब भी हम किसी मंदिर के बारे में सोचते हैं, हमें मुख्य रूप से देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर से जुड़े प्राचीन कलाकृति की झलक याद आती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं, जो इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनकर रह गई है। एक ऐसा मंदिर जिसकी दीवारों पर एस्ट्रोनॉट्स, टेलीस्कोप पकड़े हुए लोग, मॉडर्न कपड़े पहने हुए लोग, मॉडर्न औजार देखने को मिलते हैं। यही नहीं, ऐसे कई रहस्य इस मंदिर से मिलते हैं जिसे देखकर हर कोई अचंभे में पड़ जाता है। भारत के भव्य कलाकृति और सनातन धर्म का एक अद्भुत मेल है होयसलेश्वर मंदिर। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर के हर दीवार और मूर्ति हमें भारत के ऐसे बेजोड़ वास्तुकला और सभ्यता से रूबरू कराती है। इतिहासकार आज तक इस मंदिर की इतनी आधुनिक कला शैली को उस जमाने में किस तरह एक मंदिर में परिवर्तित किया गया होगा, यह सवाल सवाल ही बनकर रह गया है। कई भक्तों का ये भी मानना है कि यह मंदिर इंसानों द्वारा बनाया ही नहीं गया है। आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कर्नाटक के बेलूर से लगभग 16 किलोमीटर दूर हसन जिले के हलीवेड में स्थित इस मंदिर को होयसलेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को बनाने का श्रेय राजा विष्णुवर्धन को दिया जाता है। यह मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन यहाँ आपको दूसरे देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। इस मंदिर में सबसे रहस्यमयी और चौंका देने वाली बात है, इस मंदिर के दीवारों में बनी कुछ बेहद ही अजीब चित्र और कलाकृति। हमें यहाँ कुछ इंसान मॉडर्न जमाने के कपड़े पहने नजर आते हैं, कुछ टेलीस्कोप पकड़े और कुछ मॉडर्न औजार जो 12वीं और 13वीं शताब्दी में आविष्कार ही नहीं हुए थे। यही नहीं, मंदिर के अंदर बहुत सारे गोलाकार स्तंभ बने हुए हैं जो बिना किसी ड्रिलिंग मशीन और मॉडर्न औजारों के इतनी चिकनाई से बनाई ही नहीं जा सकती। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है इतिहासकारों के लिए, जो आज तक सुलझा नहीं पाई गई है। मंदिर बिना किसी चूने के इंटरलॉकिंग टेक्निक, जो एक बहुत ही मॉडर्न इंजीनियरिंग की टेक्निक जैसा प्रतीत होता है, उसके मदद से हर एक पत्थर को एक दूसरे से जोड़ा गया है। मंदिर की हर मूर्ति एक ही पत्थर से बनाई गई है। इस पत्थर को सॉफ्ट स्टोन के नाम से जाना जाता है, जो समय के साथ कठोर होते जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की चौंका देने वाली मूर्ति है। शिव जी के मुकुट पर 1 इंच चौड़ी मानव खोपड़ियां बनी हुई है। इन खोपड़ियों को इस प्रकार खोखला किया गया है कि उससे गुजरने वाली रोशनी आंखों के सुराख से होती हुई मुंह में जाकर कानों से बाहर लौट आती है। यह मंदिर भारत के प्राचीन कलाकृति और आज के विकसित टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत मेल है। आशा करती हूँ कि आप इस मंदिर को जरूर देखेंगे और हमारी प्राचीन सभ्यता के कुछ बहुत ही चमत्कारी कला का आनंद भी लेंगे। इस मंदिर के बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलते हैं इसी तरह के एक रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।